आजकल इंडियन टीवी सीरियल्स का बहुत ही जबरदस्त रोज चल रहा है। पहले मैंने तन्मय भट्ट की बनाई थी, उसने भी इंडियन सीरियल्स के मीम्स पे रोस्ट किया था, फिर स्ले पॉइंट की बनाई थी इस पे वीडियो, और अब ट्रिगर इंसान की वीडियो आ रही है। 30 इंडियन सीरियल्स आर सो स्टूपिड। यस, कोई सेंस नहीं बनती, ऐसे सीरियल के सीन्स होते हैं पता नहीं देखने वाले कैसे देख लेते, कैसे मजे ले लेते ऐसे सीन के। कॉमेडी लगती है लेकिन ये तो पता नहीं क्या अलग ही क्लाइमेक्स बना देते। तो देखते हैं इसी चीज़ पे मैशअप रिएक्शन। आपको मैशअप रिएक्शन देखने मजा आया तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना, और जो वीडियो लिंक और एडटास लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहां पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कुछ कमाल कमाल के इंडियन मूवी सीरियल्स। क्या बोल रहा हूं मैं, इंडियन टीवी सीरियल्स के ऊपर। जैसे कि ये लड़की आराम से चल के आ रही है और ये पैर लगा बैग पे, सर लगा दीवार पे और बैग के अंदर। एक बंदा उठा के लेके पैक करके चला गया और पानी में फेंक दिया। पानी में पहले कोई मेरे को ये समझाओ कि वो बैग के अंदर पूरी की पूरी रैप फोल्ड कैसे हो गई और फिर उसके ऊपर से किसी ने जिप लगा दी उसके और फिर उसको पानी में फेंक दिया। अभी जब लेके जा रहा था उसके पानी में कौन फेंकता है बैग को। हाँ, मतलब आज हम ऐसे ही सीरियल्स के सीन देखने वाले हैं जिनको देख के आपके मुंह से बस यही निकलने वाला है, ये तो टट्टी है। ओके, इसके पति को बचा नहीं पाया डॉक्टर। रेस्ट इन पीस। उसने बोला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, मर गए, तो हाँ वो आपको छोड़ के चले गए हैं, यही मतलब होता है। इतने ज्यादा क्रिंज फैलाने का क्या जरूरत है? कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति? डॉक्टर है, डॉक्टर भी लाइक कोशिश किया तो आप है कौन? आप होते कौन है आप ये बोलने वाले कि मेरे पति को बचा नहीं पाए? डॉक्टर है वो जिसने उसका ऑपरेशन करा है और वो नहीं बचा तो वो क्या बोलेगा? और ये बोलेगा ना वो मर गया है। अब सिर्फ एक डॉक्टर है, सिर्फ हम तो नहीं है ना। अब मैं अपने पति को बचा के लाऊंगी। क्या कहती? मैं अपने पति को बचा के लाऊंगी। कैसा? हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब मैं अपना पर्स निभाऊंगी, उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। अब मैं कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये हाउ इज पॉसिबल? जादू वाली शक्ल क्या? कैसे हो सकता है? आप उसे कौन है? आप सिर्फ एक डॉक्टर है, भगवान तो नहीं। अब मैं करूंगी ऑपरेशन और सच में जा रही ऑपरेशन थिएटर में। ओके, डॉक्टर भी लाइक साथ जाओ उसके। ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गया। सारे हाथ जोड़ रहे हैं, माता रानी प्लीज बचा लो। डॉक्टर कह रहे घबराओ मत, बचा लेंगे। देख लीजिए जाके आपका पेशेंट सांसे ले रहा है। नया डॉक्टर मिल गया है। ऐसा होता तो आप इसमें भी मत लाइए। ये मत कहना कि आप उसके स्वाग को बचा नहीं पाए। क्या पागल है? वो तो डॉक्टर है, उसका तो काम है ना बोलना, बचा पाए या नहीं बचा पाए। क्या बोले? बधाई हो, बधाई हो, आपके हस्बैंड मर गए हैं। मेरे काल मेरे किसी का देखो, ये जिंदा है, ये जिंदा है। क्या किए आप? वाओ, I am done. हाथ जोड़ रहे डॉक्टर, आप तो ग्रेट है। वो जो डॉक्टर था वो तो नल है, वो फेक डिग्री लेके बैठा हुआ था यहाँ पे, कुछ बस नहीं है। असली डॉक्टर तो आप ही है। हाथ जोड़ रहे हैं भाई, ये उनके साथ में क्या चल रहा है भाई? I love Indian TV serials, content ही content. WTF did I just watch? अच्छा मैम देखी थी, ये फैन अप हो जाएगा। और ये मैडम ने चुन्नी पीछे करी और वो नो नो पंखे में अटक गई थी। देखे वैसा मतलब यूट्यूब पे देखे। क्या होगा? वो सारे एंजॉय कर रहे। एक सेकंड,
मैं तो अभी रियलाइज करा चुन्नी ऐसे अटक गया उसके गले में, ऐसे अटकी गर्दन से घुमा लेती है ऐसे कुछ मतलब ऐसे करके निकाल लेती चुन्नी चली गई है चुन्नी, ठीक है इस साइड से पंखे के अंदर है लेकिन ये वाली हाँ, साइड तो फ्री है, फ्री है तो हाँ। तुम चाहे तो ये वाली साइड को थोड़ा सा दिमाग लगा के यूं निकाल लो, बट नहीं ये तो सीरियल है, किसी बातें कर रहे हो यार क्या फाड़ दो, बचाओ बचाओ कोई तो कुछ करो, लड़की मर जाएगी यार, कुछ नहीं करेगा ऑफ कर दो, करना क्या कर लिया, तो कोई प्लग क्या खींच रही है बाहर, स्विच ऑफ करना, ये भाई साहब बहुत ही क्या पंखा बच गई गाइस, बधाई हो और उसका पति बच गया एंड में, हमारे हीरो ने चुन्नी काट खाई है, बचपन से ही हमारा हीरो जो है वो कुत्ते के लक्षण लेके पैदा हुआ था, आज उसने दिखा दिया है कि वो कुत्ता ही है, क्योंकि अकल तो है नहीं अगले में, चुन्नी ऐसी फंसी हुई है, फिर से डबो दे रहा हूँ, यू फंसी हुई है, एक साइड से ही तो खींच रही है, दूसरी साइड तो फ्री है, लेकर बैठा वाली साइड से निकाल लो ना, उसका तरीका नहीं है, वो सही खाऊंगा, चलता है यार, वेरी नाइस कंटेंट, वेरी डेंजरस, ग्रेविटी मर गई है देख के, ओहो उसने ऐसा कुछ जादू की चड़ी उड़ के नीचे गिर गई, ओहो ओ माय गॉड, उसे गिर रही है, अब क्या करेगी ये, वो गिर रही है, उसे बचाओ, और वो गिर रही है, और वो अभी भी गिर रही है, और इतने में कोई छत पे आ गया इंटू 4x पे शुरू हो चुका है स्पीड, और वो अभी भी गिर रही है, स्पीड चल रहा है, यू कैन डू इट, एक दिन तुम धरती तक पहुंच जाओगी, और वो अभी भी गिर रही है, और इतने में ऊपर वाली ने अपने हाथों से जादू छोड़ा और वो अभी भी गिर रही है, यस यू कैन डू इट, और जादू उसके हाथ से दिखाई नहीं रहा, पहुंच रहा है लेकिन वो अभी भी गिर रही है, और फिर से 4x पहुंच चुका है, वो अभी भी गिर रही है, ये उसमें भी थी ना माँ करोल की थी, देर तो नहीं हो गई है, मेरे ख्याल से 5 मिनट तो मुझे ही बोलते बोलते हो गया, और वो अभी भी गिर रही है, वो अभी तक जमीन तक नहीं पहुंची है, और इतने में दूसरा डेंजर हो गया है, इतना बात करने के बाद कोई गिरा ही नहीं, लड़की नीचे से चल के ऊपर छत तक पहुंच गई, ये चाकू लेके इसको मारने के लिए पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर चुकी है, और वो अभी भी गिर रही है, वो अभी हवा में फिर से 4x पे शुरू हो गया, और ये पूरे मन में उसने स्टोरी रच ली है, जन्म से लेके अब तक उसने अपनी बहन के साथ जो हसीन लम्हे बिताए हैं वो सब उसने याद कर लिए, और उसकी बहन वो अभी भी गिर रही है, ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं होती, ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं होती दोस्तों, भाई साहब 40 बार तो एक ही सीन दिखा चुके हैं, वो वाला वो ऐसे हसीन प्यारा पार्क भी दिख रहा है, और ये अभी भी गिर रही है, कितना बड़ा मतलब, अरे पकड़ ली है फाइनली, ओह यस क्या बात, पकड़ ली यस डायरेक्ट ऊपर, यस नहीं यस लास्ट में जब वो गिर जाती है, यस फाइनली फाइनली 1 घंटे के बाद धरती पे टच होने से जस्ट पहले उसकी बहन का जादू आ गया और उसको बचा लिया, तो यहाँ पर गाइस मैं थोड़ी सी फिजिक्स यूज करना चाहूंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे एस होता है तुम्हारा डिस्टेंस, ये भी 4x में चल रहा है, टाइम कम से कम 1 घंटा तो था यहाँ पे, यानी कि 60 मिनट्स, यानी कि 3600 सेकेंड्स, कैलकुलेशन के हिसाब से होता है 64,80,000 meters, माउंट एवरेस्ट की हाइट पता है तुम्हें 8,800 something meters, ये 64 लाख मीटर से, मतलब कम से कम 10,000 माउंट एवरेस्ट एक के ऊपर एक लगा दूंगा ना, अगर मैं वहां से अगर ये लड़की गिरेगी तब जाके ये धरती पे हिट होने से पहले अपनी बहन के द्वारा जस्ट बचा ली जाएगी, ये है हमारे इंडियन सीरियल्स का लॉजिक, तो जिस साइड से गिरी है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है, ओनली 13 फ्लोर्स, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिख रहे हैं, 13, 14, 15 फ्लोर्स भी हो, 20 फ्लोर्स भी हो, पर हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये कम से कम माउंट एवरेस्ट से गिरी है, ओके तो उस बहुत ही कमाल के सीन के बाद आगे बढ़ते हैं, न्यूटन भी लाइक उस रात अपन 2 बजे तक पिया, और यहाँ एक और गिरने वाला सीन जहाँ पे लड़की फर्स्ट फ्लोर से गिरी है,
और हमारा हीरो फर्स्ट फ्लोर से भागते हुए नीचे आ रहा है और इससे पहले कि लड़की जमीन पे टच हो सके उससे पहले उसको कैच कर लिया। अरे कुछ कैसे होगा उसको यार, फ्लैश से भी ज्यादा तेज उड़ने वाला सुपरमैन से भी ज्यादा तेज उड़ने वाला ऋतिक रोशन से भी ज्यादा हैंडसम सुपर हीरो उसकी जिंदगी में, तो उस लड़की को कहां ही कुछ हो सकता है। ग्रेविटी जो रुक गई है उस लड़की के लिए नीचे गिरते गिरते में, क्या कुछ हो सकता है बताइए। हाउ टू मैरी योर क्रश, ओहो उसको धोखा देके मैंने खुद पहन ली वरमाला, क्या बात है क्या बात है। अरे ये तो अपने शार्क टैंक इंडिया वाले अमन गुप्ता भाई हैं, अमन गुप्ता भाई और ये झूले से छीनी वरमाला और खुद पहना दी, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं। वाह सिंदूर लिया और लगा दिया लौंडा उठ के आएगा और किसी भी होने वाली दुल्हन के गले में वरमाला डाल के सिंदूर लगा देगा, मेरी पत्नी होगी यहाँ से थोड़ी देर चलते। बाकी लोग क्या भाई वहां पर तालियां बजा रहे हैं, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा, एवरीबॉडी इज लाइक ये हो गया शादी हो गई है, चलो कोई दिक्कत नहीं भी डाल दिया ये तो शादी हो गई, ओ माय गॉड अब इसके बाद हम इसको गालियां देंगे। तेरी हिम्मत कहते हुए ये करने की, पहले थोड़ी ना पहले रोक सकते थे हम, बट नहीं हम क्यों रोके। बात तो सही है, अमेजिंग एक्टिंग बाय द ट्रक। और ये विलन ने हमारी हीरोइन को धक्का दिया, लेकिन सामने से एक बचाने वाली आई उसने रिवर्स धक्का दिया हीरोइन को और हीरोइन बच गई, लेकिन विलन को ही धक्का लग गया। ये विलन ही जाके ट्रक में कुंडली बांध दे मारी है, कुंडली बांध ट्रक में सर दे मारी है। वेट सीरियल लग रहा वो कैसे लगा, मेरा तो नहीं हुआ नहीं कुछ लगा नहीं। अरे एक सेकंड आई नीड टू रीवॉच दिस, मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, मोशन में देखना चाहूंगा मैं। यहाँ पे विलन ने हीरोइन को धक्का दिया, इसको कैसे लगा, फिर सामने से रखवाली आई उसने हीरोइन को रिवर्स धक्का दिया। अब हीरोइन इधर जा रही थी तो ये विलन अपने आप कैसे आ गई ट्रक की तरफ, हीरोइन यूं जा रही थी वो तो बस अपने आप को बचा रही थी, वो तो खुद ऐसे करके जा रही थी बच गई, पर इतने में सृष्टि ऐसे क्या बोलते हैं रिवर्स करके इधर का रिवर्स करके यहां से जो विंड का प्रेशर पड़ा रिवर्स करके पीछे टकराने चले गए, वो अपने आप रिवर्स विंड प्रेशर से जो है ट्रक में जाके टकरा गई क्योंकि उसको तो किसी ने धक्का दिया ही नहीं है। कमाल की एक्टिंग करी है जी, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। एंड यू नो व्हाट, इस सब में सबसे बड़ी एक्टिंग किसकी थी, इस ट्रक की। देखो उसने अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा, उसके सामने दुनिया की सबसे बढ़िया चीज चल रही थी, इधर से एक उड़ते हुए आ रही है, इधर से दूसरी उड़ते हुए उसको बचा गई और इधर से तीसरी अपने आप उड़ते हुए चली गई, उनको घूर रही है ट्रक भी लाइक कोई दिक्कत नहीं है। जितना मर्जी पाखंड हो रहा हो मेरे सामने, मुझे फोकस रहना है, मुझे बस सीध में चलते जाना है। मैं ट्रक चलाऊंगा, ट्रक आया और ट्रक चला गया, चलाऊंगा। ग्रेट एक्टिंग बाय द ट्रक, ट्रक को ऑस्कर मिल गया। फुली एंटरटेनमेंट यार, मतलब यार क्या हद है इन सीरियल्स की यार, मतलब कैसे मतलब बनाने वाला सोचने वाला क्या बना लेता, कुछ भी बना लेते, लिटरली कुछ भी किसी भी हद पे पार कर देते, कुछ तो सेंस बन जाए यार। वो डॉक्टर बता रहा है तुम्हारा पति मर गया और वो सुहागन बचाने चली जाती है, बच भी जाता है, कमाल है जी, क्या टेक्नोलॉजी है भाई इन टीवी सीरियल्स से, एक से एक है जी, चाहे वो फांसी वाला हो चाहे ब्रीफ केस वाला सीन हो, एक से एक बढ़कर एक है। उन सब के शो अलग ही लेवल पे चले जाते हैं, पता नहीं क्या एंटरटेनमेंट शो तो है, कॉमेडी वो शो इनको कहना चाहिए, लोग सीरियस वे में देखते हैं। तो ये आज की मैसेज रिएक्शन, आपको मैसेज रिएक्शन देखने मजा आया, वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।